Hey, good morning to all of my dear students. You are the most welcome on our favorite channel Dev Classes. तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से मैं Dev Classes पर आप सभी के लिए आपके ग्रामर का अगला चैप्टर लेकर के आ चुका हूँ। कहाँ है आप सब? जल्दी से फटाफट अपने कापी और कलम को लेकर बैठ जाइए। क्या करने के लिए? मेरे साथ स्टडी को कंप्लीट करने के लिए और बोर्ड एग्जाम्स में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास होना है ना, टॉप करना है ना, तो बिल्कुल अभी जस्ट कॉपी और कलम निकालिए और मेरे साथ शुरू हो जाइए। तो कैसे आप सभी अभी लोग, एक बार फिर से देव क्लासेस पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आई एम आशीष सर फ्रॉम देव क्लासेस। ठीक है, तो चलिए मैं देव क्लासेस पर आप सभी को, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो चाहे एकेडमिक हो, मैं लिटरेचर एंड ग्रामर दोनों आपको समय समय पर दे रहा हूँ। दोनों पढ़िए, दोनों सीखिए, सबको सिखाइए, क्योंकि देव क्लासेस पर पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना था सर सेंटेंस क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, एक वीडियो बनाइए, एक क्लास लीजिए हम लोग का। और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आज मैं लेकर के आ चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी डियर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो कॉपी कलम ले लिए ना, बिल्कुल बैठ जाइए। चलिए एकदम बेसिक से आपका क्लास चलेगा, एकदम बेसिक से आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा, बताने का प्रयास करूँगा। समझना जरूरी है, समझना है ना, सीखना है ना, बिल्कुल। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या मैं कर रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को आज पढ़ेंगे, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्या होता है सर सब्जेक्ट, क्या होता है सर प्रेडिकेट, क्या होता है सर क्वालिफायर, क्या होता है सर डिटरमाइनर, सारे के सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। ओके, एकदम बेसिक से आप छोटा सा बच्चा बन जाइए, आपको आज सिखा करके ही मैं छोड़ूंगा। चलिए, तो पहले हम यह जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं। आप सभी को पता है सर 26 लेटर, कितने, 26 लेटर होते हैं ना। उन 26 लेटर को फिर दो भाग में डिवाइड किया गया, कितने भाग में, दो भाग में डिवाइड किया गया, वावेल एंड कॉन्सोनेंट। बहुत ही बेसिक, एकदम प्राइमरी से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसके नीचे अंग्रेजी है ही नहीं, एकदम आपको नीचे से पढ़ा रहा हूँ, आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। ओके, तो हम पहले एक लाइन लिख लें, लिखिए आप लोग मेरे साथ। क्या लिखेंगे भाई आप? लिखेंगे अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में, वर्णमाला में कुल 26, कुल कितने होते हैं, 26 अक्षर होते हैं भाई, कितने लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, होते हैं, बात समझ गए, इतना तो आप सबको पता ही है, एकदम छोटा सा बच्चा भी आज का क्लास समझ जाएगा। आप तो बड़े हो गए हैं, है ना, चाहे वो 9 to 12 हो, चाहे वो टेट के हो, सुपर टेट के हो, SSC के हो, सभी के सभी एकेडमिक और कॉम्पिटेटिव के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। पूरे क्लास को देखना है, और यदि आपका कोई क्लास छूटा है ना, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, क्या हम लिखा, अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, कितने लेटर्स, 26 लेटर होते हैं सर, है ना। तो कितने लेटर्स होते हैं भाई, 26, बात ध्यान दीजिएगा, लेटर्स होते हैं आपका 26। अब इस लेटर्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है, कितने भाग में सर, दो भाग में डिवाइड किया गया है, कौन कौन डिवाइड किया गया है, पहला होता है आपका वावेल, वावेल को बोलते हैं स्वर, क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, और कॉन्सोनेंट दूसरा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन, क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन, बात समझ गए, कॉन्सोनेंट एंड सॉरी वावेल एंड कॉन्सोनेंट किसको डिवाइड किया गया है, लेटर्स को, लेटर को दो भाग में डिवाइड किया गया है, यानी 26 जो लेटर हैं इनको दो भाग में डिवाइड किया गया, कौन कौन, वावेल
एंड कॉन्सोनेंट। अब देखते हैं कि 26 में कौन कौन वॉवेल होते हैं, कौन कौन कॉन्सोनेंट होते हैं, कौन कौन स्वर होता है, कौन कौन व्यंजन होता है ना, बिल्कुल देख लेते हैं। चलिए तो वॉवेल की बात करें तो इसमें होगा ए, ई, आई, ओ, यू, कितने हो गए, ये टोटल हो गए 5, कितने हो गए 5। तो वॉवेल की संख्या कितनी 5 होती है। कॉन्सोनेंट की बात कर लें, अब 26 में से 5 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, 21 बचेंगे, जो जो बचेगा कॉन्सोनेंट हो जाएगा। लिख लेते हैं फटाफट, तो क्या हो जाएगा, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना। काउंटिंग कर लीजिए ज़रा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21, कितने हो गए, पूरे 21 हो गए ना। तो ये हो गया आपका वॉवेल 5, कॉन्सोनेंट कितने हो गए 21 हो गए। एकदम प्राइमरी से पढ़ा रहा हूँ ना, एकदम बिल्कुल सीख जाइए और दूसरों को भी सिखाइएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम सेंटेंस को कवर करने वाले हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ है, पूरा वीडियो में देखिए होता क्या क्या है। चले आगे की बात बताएं आपको, ध्यान दीजिए। तो चलिए हमने बात कर लिया, क्या हमने बात किया, वॉवेल का और कॉन्सोनेंट का, इस सेंटेंस तक ले जाने का रास्ता दिखा रहा हूँ आपको, है ना। एकदम बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ, सीखने का नॉलेज दे रहा हूँ, समझने का नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। आशीष सर एकदम जड़ से आपको सिखा रहे हैं। चलिए बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कि जो लेटर होते हैं इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है सर। तो लेटर्स की स्टार्टिंग होती है साउंड से। कहाँ से होती है, साउंड से होती है। साउंड से लेटर की स्टार्टिंग होती है, लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस से बनता है पैराग्राफ। अंडरस्टैंड, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, है ना। क्या हमने कहा, हमने कहा पहले बनता है साउंड, साउंड के बाद बनता है लेटर्स, लेटर्स, लेटर्स के बाद क्या बनता है वर्ड, वर्ड के बाद बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस के बाद क्या बनता है सर, इसको बोलते हैं पैराग्राफ, है ना, पैराग्राफ बोलते हैं सर, पैराग्राफ बोलते हैं, ठीक, बात समझ गए ना। तो साउंड क्या होता है, साउंड किसी भी देश का बच्चा हो, पहले वो जन्म लेता है तो साउंड निकालता है, साउंड निकालता है, साउंड के बाद फिर वो लेटर सीखता है, लेटर के बाद फिर वो वर्ड सीखता है, वर्ड के बाद फिर सेंटेंस बनाना सीख जाता है, है ना, बिल्कुल सही। तो हम बात करेंगे लेटर्स का, फिर वर्ड का, फिर सेंटेंस का। सर लेटर किसे कहते हैं, सर वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड से हम चलेंगे लेटर्स, यानी अल्फाबेट में जो ए टू जेड होते हैं ना लेटर्स, है ना, लेटर्स होते हैं, लेटर्स क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, क्या बोलेंगे, उसे शब्द बोलते हैं, शब्द, ठीक है, शब्द बोलते हैं। तो लिख लीजिए ना एक लाइन फटाफट, क्या लिखेंगे भाई, हम वर्ड की आपको डेफिनेशन दे रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त, क्या बोलेंगे, बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच विच मेक्स कंप्लीट सेंस, कौन सा सेंस, कंप्लीट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, क्या बोलेंगे सर, इज कॉल्ड वर्ड, उसे हम वर्ड बोलते हैं, उसे शब्द बोलते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, शब्दों का वह समूह विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण भाव देता है, जिसका पूरा भाव प्रकट होता है, उसे हम शब्द बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जैसे हमने कहा, हमने कहा कैट, हमने कहा बॉय, हमने कहा पेन, हमने कहा चेयर, हमने कहा टेबल,
हमने कहा एलिफेंट, है ना, एलिफेंट ईटीसी, बहुत सारे। तो हमने क्या कहा, अ ग्रुप ऑफ लेटर, 1 2 3 लेटर है ना, अक्षर कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 है ना। तो क्या हमने कहा, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका पूर्ण भाव निकलता हो, जैसे कैट माने बिल्ली, है ना, बॉय माने लड़का, पेन माने कलम, इसका भाव निकल रहा है ना। अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं O B Y, हमने ये लिख देते हैं, हमने कोई E N P हमने ये लिख देता, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो दैट इज कॉल्ड नॉट वर्ड, इसे वर्ड नहीं बोलेंगे, वर्ड उसे बोलेंगे जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका पूर्ण रूप से कोई अर्थ निकलता हो, उसे बोलते हैं वर्ड। ओके, अंडरस्टैंड, आई होप यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड। लेते हैं अगला, किसकी बारी, वर्ड के बाद सेंटेंस की बारी। चलिए भाई सेंटेंस की बात करते हैं, क्या कह रहा है सेंटेंस, सेंटेंस क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सेंटेंस कह क्या रहा है। तो सेंटेंस की बात करते हैं, बस जैसे हमने ऊपर लिखा वैसे आप यहां लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स complete sense is called क्या बोलते हैं सर, is called sentence, क्या बोलेंगे, is called sentence, very very important, बहुत ही जबरदस्त आपका क्लास चल रहा है, आप सभी देख रहे हैं इस क्लास को, और जहां समझ में ना आए ना तुरंत कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा। चलिए हमने क्या कहा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका पूर्ण भाव निकलता हो, जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, उसे बोलते हैं सेंटेंस, उसे बोलते हैं वाक्य। ठीक, तो हमने क्या कहा, शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण भाव निकलता हो, जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, उसे बोलते हैं सेंटेंस। यहाँ वर्ड लिखा है, यहाँ लेटर लिखा है, तो लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है, बात समझ गए ना। बिल्कुल, एग्जाम्पल ले लें आपको सेंटेंस तक पहुंचाने के लिए अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूं, हमें पहुंचना है सेंटेंस तक, क्योंकि सेंटेंस पढ़ना है इस वीडियो में, सेंटेंस के पार्ट पढ़ने हैं। चलिए देखिए क्या है भाई, जैसे हमने लिखा राम इज राइटिंग अ लेटर, है ना, राइटिंग अ लेटर लिखा। फिर सेकेंड हमने क्या लिखा भाई, आर यू हंगरी। फिर हमने क्या लिख दिया भाई, हमने लिख दिया शट द डोर। फिर हमने क्या लिख दिया भाई, हमने लिखा मोना रीड्स अ बुक। बात समझ रहे हैं ना, ये सब क्या है, ये सब ऐसे शब्द से मिल के बनते हैं, वर्ड है ना। ये क्या हमने कहा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का वह समूह जिसका कोई भाव निकलता हो, उसे बोलेंगे सेंटेंस। तो राम इज राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है ना। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, है ना। शट द डोर, दरवाजा बंद करो, है ना, दरवाजा बंद करो। मोना रीड्स अ बुक, मोना एक किताब पढ़ती है, तो अर्थ निकल रहा है ना। तो शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण भाव निकलता हो, जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, वाक्य कहलाता है। यदि हम यहीं पर लिख दें, यहां पे हमने लिखा, जैसे हमने लिखा कैन रीड मोना सीट हियर ऑन रूफ विथ मी। देखिए ध्यान से, कैन रीड मोना सीट हियर ऑन रूफ विथ मी, अब इसका अर्थ निकालिए जरा, तो निकालिए ना, क्या आप इसका अर्थ निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। ये क्या वर्ड का ग्रुप तो है,
वर्ड का ग्रुप तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देगा आपको, कंप्लीट अर्थ नहीं निकलेगा। जब अर्थ नहीं निकलेगा तो इसे हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। और ये सब क्या है, इन सब का अर्थ निकल रहा है तो ये सब क्या होंगे, राइट होंगे। अंडरस्टैंड? तो सेंटेंस का डेफिनेशन एग्जांपल समझ गए, आगे की बात करें। चलिए आगे की बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के। अब बारी आती है सेंटेंस का, है ना, जिसके लिए हमने वीडियो बना रहा हूं मैं। ठीक, अभी सेंटेंस तक पहुंचाने के लिए हमने आपको वावेल बताया, कॉन्सोनेंट बताया, साउंड बताया, वर्ड बताया, सेंटेंस बताया, बहुत सारी बातें हमने आपको बताई। अब बारी किसकी, अब बारी आती है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस बता दिया, अब सेंटेंस के भाग कौन कौन होते हैं सर, अब तो वीडियो स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक, तो हमने क्या बताया आपको, आप लिखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, है ना, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भाई, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस को भी डिवाइड किया गया है सर, कितने भागों में, ओनली टू पार्ट्स। सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कौन कौन है भाई देख लीजिए, कौन कौन है। फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं इसे, बोलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, है ना। और सेकेंड पार्ट इज आप क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट, क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे, जिसको बोलते हैं हिंदी में विधेय, क्या बोलेंगे, विधेय बोलते हैं। आपको ज़्यादा हिंदी पर ध्यान नहीं देना है, इंग्लिश का क्लास है तो इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। चलिए हम बात करते हैं, ये हो गया सब्जेक्ट, इधर हो गया प्रेडिकेट। अब क्या होता है सब्जेक्ट सर, और क्या होता है प्रेडिकेट, है ना। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है भाई, सब्जेक्ट क्या होता है, जिस जो वस्तु या क्या होता है, जिसका हम नाम लेते हैं। सेंटेंस में कोई एक्शन करता हो उसे बोलते हैं सब्जेक्ट, उसे बोलते हैं कर्ता। ठीक, और प्रेडिकेट क्या होता है सर, जिस कर्ता के बारे में यदि कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट के बारे में यदि हम कुछ कह रहे हो तो सभी के सभी जो कह रहे हैं, जो एक्शन है वो सब कहलाता है प्रेडिकेट। तो कार्य जो करने वाला है सब्जेक्ट, जो काम हो रहा है प्रेडिकेट, अंडरस्टैंड। पहले डेफिनेशन तो लिख लीजिए, ओके ना, डेफिनेशन की बात करते हैं। तो क्या होगा भाई, सब्जेक्ट की बात करते हैं, हो जाएगा अ सब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट इज द, इज द पर्सन, इज द पर्सन आर थिंग, इज द पर्सन आर थिंग दैट इज डूइंग, दैट इज डूइंग, दैट इज डूइंग एन एक्शन, एन एक्शन, एन एक्शन, हो गया ना। क्या हमने कहा कि अ सब्जेक्ट इज द पर्सन, यानी जो सब्जेक्ट होता है वो कोई पर्सन या कोई वस्तु होती है, दैट जो इज डूइंग एन एक्शन, कोई कार्य करता है, कोई एक्शन करता है, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट रहेगा तभी तो एक्शन होगा, मैं रहूँगा तभी ना काम करूँगा, आप रहेंगे तभी ना काम करेंगे, जब सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो एक्शन काहे का है कि नहीं। तो सब्जेक्ट है तो एक्शन है, सब्जेक्ट नहीं है तो एक्शन नहीं है। तो सब्जेक्ट हो गया और जो काम कर रहा है वो प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला, जो काम कर किया जा रहा है वो प्रेडिकेट हो गया, अंडरस्टैंड। देख लेते हैं, तो हम इस वीडियो में, इस पूरे वीडियो में हम आज क्या कवर करेंगे, हम कवर करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। पार्ट वन आज का वीडियो है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पार्ट वन। पार्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेडिकेट की बात करेंगे। तो आज पूरे वीडियो हम देखें, क्या हमने कहा, हमने कहा सब्जेक्ट की बातें कर ली। अब दोनों में डिफरेंस बता दें आपको कि कैसे पहचानेंगे आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट को, वेरी वेरी इजी होने वाला है। चलिए देख लेते हैं भाई, क्या हमने कहा, अ सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट इज डूइंग एन एक्शन। अब बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता कौन कौन है सर। तो सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट जीरंड भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका इन्फिनिटिव भी हो सकता है। सर ये जीरंड इन्फिनिटिव क्या होता है, नहीं देखे हैं ना, नहीं जानते ना, तो
तो आशीष सर का पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जीरन इन्फिनिटिव का मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं और अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो में तो बताऊंगा ही बताऊंगा आपको। चलिए, तो क्या कहा, अ सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट इज डूइंग एन एक्शन। तो हमने क्या कहा, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है। क्या हमने लिखा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट मे बी नाउन कमा प्रोनाउन कमा जीरंड कमा इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव, है ना, ये सब हो सकते हैं। कर्ता के स्थान पर सब्जेक्ट का रोल प्ले करने वाला इन चारों में से नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जीरन भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है। अब जीरन इन्फिनिटिव क्या होता है, अब एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं मैं, देख लीजिए, है ना। उसके बाद ये तो हो गई किसकी बातें, सब्जेक्ट की बात, तो प्रेडिकेट का भी आपको लिखवा दें, प्रेडिकेट का भी लिखना चाहते हैं डिफिनेशन, लिख लीजिए। चलिए, क्या हम कर रहे हैं भाई, प्रेडिकेट की बात कर लेते हो, प्रेडिकेट को हम यहां लिख लेते हैं, प्रेडिकेट प्रेडिकेट सर क्या कहता है, प्रेडिकेट, है ना, प्रेडिकेट सर क्या कह रहा है, तो कह रहा है व्हेन वी टॉक बात करते हैं, स्पीक बोलते हैं, है ना, स्पीक बोलते हैं अबाउट सब्जेक्ट, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, है ना, सब्जेक्ट के बारे में जब हम कुछ बात करते हैं बोलते हैं तो इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे सर, इज कॉल्ड प्रेडिकेट, वेरी इजी, इज कॉल्ड प्रेडिकेट, उसे क्या बोलेंगे, उसे प्रेडिकेट, हमने क्या कहा, व्हेन वी टॉक जब हम बात करते हैं या बोलते हैं किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, जब सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ कहते हैं, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया गया है ना उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे प्रेडिकेट कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या हमने लिखा, हमने यहाँ सेंटेंस लिखा, पहला सेंटेंस आपके लिए लिखा, मोहन लाफ्स, क्या लिखा भाई, मोहन लाफ्स, ठीक है, मोहन लाफ्स। अब मोहन क्या है, मोहन सब्जेक्ट हो गया, मोहन कौन सा काम कर रहा, हंसने का, तो हो गया प्रेडिकेट, बात समझ गए, मोहन सब्जेक्ट है और मोहन कौन सा काम कर रहा है, कौन सा एक्शन कर रहा है, एक्शन कर रहा है यहाँ पे हंसने का, तो हो गया प्रेडिकेट, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल लें, सेकेंड एग्जाम्पल क्या कर रहा है, गीता रीड्स, क्या हो गया, गीता रीड्स, गीता रीड्स, गीता हो गई सब्जेक्ट और रीड्स क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो बातें समझ में आ गए होंगे, ठीक। अगला एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या अगला एग्जाम्पल है भाई, ही प्लेड, तो ही हो गया सब्जेक्ट और प्लेट क्या हो गया, प्रेडिकेट, बात समझ गए, ही हो गया सब्जेक्ट, प्लेट हो गया प्रेडिकेट, ठीक। इसके अलावा और भी एग्जांपल ले लीजिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस, स्मोकिंग क्या हमने कहा, स्मोकिंग इज इंजूरियस, इंजूरियस, तो स्मोकिंग हो गया सब्जेक्ट और इज इंजूरियस हो गया प्रेडिकेट। स्मोकिंग मेन वर्ब में आईएनजी लग जाए और वो सब्जेक्ट का काम करता है तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जीरंड, क्या बोलते हैं सर, उसे बोलते हैं जीरंड। जीरंड में क्या होता है, मेन वर्ब में आईएनजी लग जाता है और वह किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्मोकिंग के बारे में कर रहे हैं, नशा करना क्या है, इंजूरियस, क्या होता है भाई, इंजूरियस यानी नशा करना बुरी बात है, नशा नहीं करना चाहिए, इंजूरियस टू हेल्थ, है ना, क्या करता है, स्वास्थ्य खराब कर देता है, ठीक। इसके अलावा एक एग्जांपल और ले ले आपको, है ना, आप और एग्जांपल ले सकते हैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस, स्लीपिंग इज नेसेसरी, सोना आवश्यक है, तो स्लीपिंग क्या हो गया सब्जेक्ट और इज नेसेसरी हो गया प्रेडिकेट, अंडरस्टैंड। अब आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट कौन होता है, प्रेडिकेट कौन होता है, अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट कौन होता है, प्रेडिकेट कौन होता है। उसके बाद एक ठो और हम लिख लेते हैं, टू वॉक इज यूजफुल, क्या लिखे, टू वॉक इज यूजफुल, है ना, टू वॉक इज यूजफुल,
टू वॉक टहलना इज यूजफुल लाभदायक है, टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ यानी टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं लाभदायक है। तो टू वॉक हो गया सब्जेक्ट और इज यूजफुल हो गया प्रेडिकेट। अंडरस्टैंड सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, विद्यार्थी बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों अच्छे से आ जाने वाला है। चले आगे की बात बताते हैं आपको। तो चलिए अब हमने क्या कहा था, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कर लिया और पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को भी डिवाइड किया गया है कितने भागों में, वाले टू पार्ट्स में। कौन कौन, तो लिख लीजिए आप लोग, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट को दो भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन है, पहला आपका होता है क्वालिफायर और जो दूसरा होता है, दूसरा कौन होता है सर, वो होता है हेड वर्ड। क्या होता है, हेड वर्ड बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं मेन वर्ड। क्या बोलते हैं, मेन वर्ड। ठीक, सेंटेंस का वह पार्ट, सेंटेंस में पूरा वह पार्ट जो सब्जेक्ट की गिनती कराता हो, जो सब्जेक्ट की गिनती कराता हो, उसे बोलते हैं हेड वर्ड या मेन वर्ड उसको बोलते हैं। तो सब्जेक्ट को दो भाग में डिवाइड किया गया, कौन कौन, क्वालिफायर और हेड वर्ड। ठीक, हेड वर्ड कर लीजिए चाहे मेन वर्ड कर लीजिए, दोनों एक ही बातें होते हैं। अब सर क्वालिफायर क्या होता है, क्वालिफायर सब्जेक्ट का यानी हेड वर्ड की क्या करता है, गिनती कराता है, उसकी ओर नोटिस करता है, उसकी संख्या को बताता है, उसे बोलते हैं क्वालिफायर। आगे चल करके क्वालिफायर ही एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है। अंडरस्टैंड, देखिए क्या है ना, जैसे आप लिख लीजिए यहां पर एग्जांपल में, क्या एग्जांपल में लिखेंगे भाई, जैसे ए हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, है ना, दैट हो गया, फ्यू हो गया, मैनी हो गया, ये सब क्या हैं, ये सब आपके क्वालिफायर हैं। ये क्या करता है, हेड वर्ड की संख्या को बताता है, हेड वर्ड की नोटिस करता है, उसकी ओर ध्यान देता है कि आखिर में संख्या है कितनी उसकी। अंडरस्टैंड, तो आगे बात करते हैं, अब इसकी एग्जांपल लेंगे तो दोनों बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो कभी कभी अब जब आपको छाटना हो कि सब्जेक्ट के पार्ट कौन कौन है, तो क्वालिफायर और हेड वर्ड। ठीक, तो कभी आना हो तो आपको सेंटेंस दे दिया जाए कि विच इज द पार्ट ऑफ क्वालिफायर, क्वालिफायर किसका पार्ट है, तो क्वालिफायर सब्जेक्ट का पार्ट है, हेड वर्ड किसका पार्ट है, तो हेड वर्ड सब्जेक्ट का पार्ट है। अंडरस्टैंड, चाहे वो मल्टीपल चॉइस दे चाहे वो लीनियर में दे, आप सारे क्वेश्चंस को कर जाएंगे क्योंकि आप आशीष सर के स्टूडेंट हैं, देव क्लासेस पर आप पढ़ रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं आपको, क्या करा एग्जाम्पल भाई, अ बॉय रन्स, जैसे हमने बोला अ बॉय रन्स, ठीक है, अ बॉय रन्स, एक लड़का दौड़ता है, अ बॉय रन्स। अब देखिए अ क्या हो गया, अ हो गया क्वालिफायर, बॉय क्या हो गया, बॉय हो गया हेड वर्ड, क्या हो गया भाई, हेड वर्ड हो गया, और रन्स जो बता होता प्रेडिकेट है ना, प्रेडिकेट हुआ ना, क्योंकि बता रहा है कि बॉय कोई एक्शन कर रहा है, बॉय कौन सा एक्शन कर रहा है, दौड़ने का एक्शन कर रहा है, दौड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, सो रहा है, सारे एक्शन क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट कहलाएंगे। अंडरस्टैंड, प्रेडिकेट कहलाएंगे। तो पहला क्या हो गया क्वालिफायर, दूसरा क्या हो गया हेड वर्ड, और तीसरा क्या हो गया प्रेडिकेट हो गया। चलिए एग्जाम्पल और ले लीजिए आप, क्या एग्जाम्पल है भाई, That man laughs. तो that हो गया क्वालिफायर, man हो गया हेड वर्ड, और laughs हो गया प्रेडिकेट। और एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या एग्जाम्पल है, few girls danced. तो फ्यू हो गया क्वालिफायर, गर्ल्स हो गया हेड वर्ड, और डांस हो गया प्रेडिकेट। बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हैं, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। आप सभी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा मुझे, है ना। तो बात समझ गए क्या हमने कहा, तो इस प्रकार से क्या बता रहा है,
हेड वर्ड है नहीं, बताइए इस सेंटेंस में किसकी बातें की जा रही है, बॉय के बारे में, तो बॉय क्या होगा, हेड वर्ड। इस सेंटेंस में किसकी बातें की जा रही है, मैन की बात की, तो मैन क्या हो गया, हेड वर्ड। इस सेंटेंस में किसकी बातें की जा रही है, गर्ल्स की, तो गर्ल्स क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, हेड वर्ड हो गया, है ना। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, तो चलिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हो गया, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट हो गया, हमने आपको क्वालिफायर और हमने आपको हेड वर्ड भी बता दिया। अब हेड वर्ड को भी डिवाइड किया गया है, हेड वर्ड को डिवाइड। अब इम्पॉर्टेंट, दिमाग खोल लीजिएगा क्योंकि अब आपको अच्छे से समझना है। तो क्या हमने लिखा, हमने लिखा हेड वर्ड, क्या लिखा भाई, एच ई ए डी, हेड वर्ड, हेड वर्ड लिखा है ना, हेड वर्ड लिखा। अब हेड वर्ड को भी क्वालिफाई क्या क्या गया है, यहां पे डिवाइड किया गया है। पहला होता है डिटरमाइनर, डिटरमाइनर, ठीक है। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है क्वालिफायर, क्वालिफायर बोलते हैं, या इसी को बोल देंगे हम लोग एडजेक्टिव भी बोलते हैं भाई, इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे समझने का प्रयास करना है आप सभी को। और जो तीसरा होता है वो होता है एडजेक्टिवल फ्रेज, क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, यानी एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं, फ्रेज, ठीक, एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो हेड वर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तीन पार्ट में, कौन कौन, डिटरमाइनर, क्वालिफायर या इसी को बोलते हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, तीन पार्ट होते हैं। तो कभी भी सेंटेंस, कभी क्वेश्चन आता है कि डिटरमाइनर किसका पार्ट है, तो डिटरमाइनर हेड वर्ड का पार्ट है, क्वालिफायर या एडजेक्टिव किसका पार्ट है, तो हेड वर्ड का पार्ट है, है ना। यानी क्वालिफायर या एडजेक्टिव की बात करेगा, एडजेक्टिव किसका पार्ट है, तो हेड वर्ड का पार्ट है। एडजेक्टिवल फ्रेज किसका पार्ट है, तो वो हेड वर्ड का पार्ट है, बात समझ गए ना। लेकिन जब एक सेंटेंस देगा ना, तो सेंटेंस में इसी में दो पार्ट आपको और जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, दो पार्ट आपका और जुड़ जाता है, सेंटेंस तभी कंप्लीट हो पाता है। लेकिन क्वालिफाई हेड वर्ड को तीन ही पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब मैं आपको जो स्ट्रक्चर देने वाला हूं, वो स्ट्रक्चर में दो वर्ड ऐसे जुड़ेंगे, तो मैं एक वर्ड यहां जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया भाई, यहां जोड़ दिया आपको मेन वर्ड, मेन वर्ड या हेड वर्ड, ठीक है, हेड वर्ड, बात समझिएगा। ऐसे हेड वर्ड को तीन ही पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीन ही पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेकिन जब एक सेंटेंस आप लिखेंगे ना सेंटेंस, तो सेंटेंस में हमेशा क्वालिफायर के बाद हेड वर्ड आता है, और एडजेक्टिवल फ्रेज के बाद हमेशा प्रेडिकेट आता है, प्रेडिकेट। तो क्या आएगा अगला पार्ट इसमें आता है, प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट हमेशा लास्ट में होता है, प्रेडिकेट हमेशा एकदम लास्ट में होता है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया क्या, डिटरमाइनर प्लस क्वालिफायर प्लस मेन वर्ड प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज प्लस प्रेडिकेट, है ना। दे दे आपको स्ट्रक्चर, लिख लीजिए स्ट्रक्चर फटाफट, क्या स्ट्रक्चर बनता है, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम आपको दे रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हैं सभी लोग। चलिए भाई, क्या लिखा हमने, डिटरमाइनर, डिटरमाइनर, ठीक है, फिर प्लस क्या है, क्वालिफायर, है ना, क्वालिफायर, बहुत ही सही, क्वालिफायर को और क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव क्या करता है सर, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है यार, है ना। उसके बाद तीसरा क्या है, मेन वर्ड है, मेन वर्ड है, मेन वर्ड को और क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं हेड वर्ड, हेड वर्ड बोलते हैं, ओके। उसके बाद क्या होता है सर, एडजेक्टिवल फ्रेज है, एडजेक्टिवल, एडजेक्टिवल फ्रेज है, ठीक है। और लास्ट में होता है प्रेडिकेट, कितने हो गए, प्रेडिकेट हो गए। तो ये आपके क्या बन गए, ये आपके बन गए स्ट्रक्चर, किसके स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बन गया एक सेंटेंस का। एक सेंटेंस में यदि आपको सब छाटने के लिए देगा ना, तो आप छाट लेंगे, आप अलग अलग कर लेंगे, ठीक। तो बात करें कि हेड वर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो वाले थ्री पार्ट में, कौन कौन, डिटरमाइनर, क्वालिफायर और
एडजेक्टिवल फ्रेज। बात समझ गए। अब देखिए हम बात करते हैं, यदि आपको केवल क्वालिफायर और हेडवर्ड छाटना होगा तो सिर्फ हेडवर्ड के बाद एक ही केवल क्वालिफायर होगा। लेकिन यदि हेडवर्ड के बाद क्वालिफायर होगा उसके बाद डिटरमाइनर भी होगा तो वहाँ पे क्वालिफायर ले लेता है स्थान एडजेक्टिव का। किसका स्थान लेता है? एडजेक्टिव का स्थान ले लेता है। तब वहाँ पर बातें आपको समझ में आने लगती हैं। चलिए अब एग्जाम्पल की बारी आ रही है, कहीं दिक्कत होता है तो तुरंत कमेंट के माध्यम से बताइएगा। लास्ट एग्जाम्पल आप सभी के लिए। चलिए यहीं पर ले लेते हैं। क्या कर रहा है पहला भाई? कर रहा है द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी इन द रूम, इन द रूम इज वाइस। ध्यान दीजिए, ये आपका सेंटेंस है। अब सेंटेंस में आपको सभी छाटने हैं, सबको अलग अलग करना है। कैसे करिएगा? ऐसे आपके एग्जाम में पूछेगा, पुट आउट द सब्जेक्ट पार्ट, पुट आउट द हेड वर्ड पार्ट, आपको अलग अलग करना है। तो क्या हो गया? पहला क्या है? डिटरमाइनर। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर। दूसरा क्या हो जाएगा सर? क्वालिफायर। विशेषता बता रहा है ना, क्वालिफायर या एडजेक्टिव बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव भी बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव। क्वालिफायर एडजेक्टिव यानी हेड वर्ड। तीसरा क्या हो गया? हेड वर्ड हो गया। हेड वर्ड यानी किसके बारे में बात की जा रही है? तो इस लेडी के बारे में बात की जा रही है। लेडी कैसी है? ओल्ड है। तो ओल्ड क्या हो गया? क्वालिफायर यानी विशेषता इसकी बता दिया। इन द रूम, इन द रूम क्या हो गया सर? एडजेक्टिव हो गया यानी एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। और इज वाइस क्या हो गया सर? प्रेडिकेट हो गया। ठीक, तो हो गया ये प्रेडिकेट, एडजेक्टिवल फ्रेज, मेन वर्ड या हेड वर्ड, क्वालिफायर और डिटरमाइनर। ठीक, बात समझ गए। इसकी पोजीशन को समझिएगा कि पहले डिटरमाइनर होता है, उसके बाद क्वालिफायर एडजेक्टिव होता है, उसके बाद हेड वर्ड होता है। ठीक, जब कहने का मतलब, जब हेड वर्ड के पहले कोई शब्द ना हो तो क्वालिफायर होता है सीधे, लेकिन उस क्वालिफायर के बाद भी यदि कुछ हो गया तो ये एडजेक्टिव का स्थान लेता है, क्वालिफायर एडजेक्टिव का स्थान ले लेता है। बस यही तो आपको समझना है। और एग्जाम्पल दें, और एग्जाम्पल लीजिए। क्या आपको हमने बताया? हिज इल्डर ब्रदर इन कोलकाता। क्या है कोलकाता में? कोलकाता इज ए प्रोफेसर। क्या है भाई? इज ए प्रोफेसर। चलिए आप मेरे साथ साथ छाटिए, पुट आउट करिए, अलग अलग कीजिए। तो हिज क्या हो गया? हिज हो गया आपका डिटरमाइनर। ओके, इल्डर क्या हो गया? विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव यानी क्वालिफायर या एडजेक्टिव कहलाएगा। ब्रदर क्या हो गया? हेड वर्ड। किसके बारे में बात हो रही है? भाई के बारे में बात हो रही है, तो हेड वर्ड मेन वर्ड यही है। इन कोलकाता आपका क्या हो गया? एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। किसे कहते हैं सर? जब सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा बातें बतानी होती है ना, तो उसे बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी ज़्यादा विशेषता बताने वाली बात होती है ना, तो उसे बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज, है ना। उसके बाद इज ए प्रोफेसर वेरी इजी प्रेडिकेट हो गया। एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल ओनली फॉर यू। देखिए क्या एग्जाम्पल है भाई। अ ब्लैक बर्ड है ना, अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। क्या हो गया? फ्लू अवे। बात समझ गए ना। चलिए छाट लीजिए फटाफट। तो ए क्या हो गया? डिटरमाइनर। ब्लैक क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक, बर्ड क्या हो गया? हेड वर्ड कहिए चाहे मेन वर्ड कहिए, अब एक ही बात है। ठीक, सिटिंग इन द ट्री क्या हो गया? ये हो गया आपका एडजेक्टिवल फ्रेज, वेरी इजी।
और लास्ट में फ्लू अवे, एक्शन किया, फ्लू अवे उड़ गई तो क्या हो गया, एक्शन हो गया, और एक्शन हो गया तो प्रेडिकेट हो गया। हो गया ना, आज का वीडियो ओवर हुआ। आज का वीडियो कैसा लगा आशीष सर को कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। क्या आप कुछ सीख पा रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या आप दूसरों को समझा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? क्या आपको देव क्लासेस पर लिटरेचर और ग्रामर दोनों मिल रहा है? क्या आपको लाभ हो रहा है? जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अपने हर एक फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।